नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका फार्मा नॉलेज जेपी में। दोस्तों ये है पार्ट टू जो बायोकेमिस्ट्री का एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दोस्तों चल रहा है डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के लिए। जो पार्ट वन है दोस्तों वो बन चुका है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। पार्ट वन में दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कवर किए थे, अब इसमें भी 30 या 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग पढ़िएगा। तो दोस्तों अगर बार बार आप क्वेश्चन देखते रहेंगे तो एग्जिट एग्जाम में दोस्तों आप लोगों के बहुत ही हेल्प होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर एक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 31 के बारे में बात करते हैं। एन एंजाइम दैट वर्क इन द एसिडिक मीडियम, कौन सा एंजाइम है दोस्तों एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, उसमें पेप्सिन है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पेनक्रिया सिक्रिएट हार्मोन विच हेल्प इन, जो पेनक्रियाज होता है दोस्तों एंजाइम हार्मोन्स को सिक्रिएट करता है, वो क्या करता है, कौन सा हेल्प करता है दोस्तों कीपिंग शुगर बैलेंस इन द बॉडी। तो इंसुलिन दोस्तों जो हार्मोन्स होता है वही निकालता है दोस्तों। तो क्या करता है वो जो शुगर शुगर लेवल होता है बॉडी में उसको क्या करता है मेंटेन किए रहता है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। रेनिन एंड लैक्टेज एंजाइम रिक्वायर्ड टू द डाइजेस्ट मिल्क डिसअपीयर इन द ह्यूमन बॉडी बाई द एज, ये है दोस्तों 2 साल। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ए टेबल शुगर इज क्या होता है दोस्तों, वो होता है सुक्रोज। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों द केमिकल बॉन्ड दैट मस्ट बी प्रेजेंट एजोडाइम कौन सा केमिकल बॉन्ड दोस्तों प्रेजेंट होता है, वो होता है बी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन अगर आप बार बार देखेंगे तो आप जब एग्जिट एग्जाम में बैठेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ यही क्वेश्चन है, आंसर आप आसानी से टिक कर सकते हैं। एक टाइप का दोस्तों आइडिया मिल जाता है आप लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे तो द एसिड प्रेजेंट इन द लेमन एंड ऑरेंज, दोस्तों ये बहुत ईजी क्वेश्चन, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण वो खट्टा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन क्या कंटेन करता है दोस्तों, वो करता है एलिप्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों विच वन ऑफ दीज ए डिसॉक्सी शुगर, ठीक इसमें दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा डिजिटॉक्सिस। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अंडर द एरोबिक कंडीशंस पाइरुविक एसिड इज मेटाबोलाइज्ड टू CO and H2O थ्रू, किसके थ्रू दोस्तों क्या करता है जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, तो इसमें क्या करता है मेटाबॉलिज्म टू CO and H2O थ्रू किसके कारण होता है दोस्तों, वो होता है इम्बेडेड मेयर पाथवे के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मेटाबॉलिक फास्ट ऑफ पाइरुवेट इन द एनरोबिक कंडीशन इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ओरल वैक्सीन इसमें से क्या है दोस्तों, शबीन वैक्सीन है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे बैक्टीरियल विच कैन डिराइव द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड इनर्जी फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन इन्वॉल्व द फॉलोइंग, राइबोफ्लेविन दोस्तों उसका मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या है, उसका मेटाबॉलिक फंक्शन दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ द बैक्टीरियल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया में दोस्तों कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसके कारण निमोनिया दोस्तों हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज द यूज एज, जो क्रिएटिनिन दोस्तों क्लियरेंस वो किसके यूज किया जाता है, GFR रेट जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये वाला दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ईस्ट इज रिच, ईस्ट जो होता है उसका रिच सोर्स क्या है दोस्तों, विटामिन बी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी, स्कर्वी के जो डिजीज होता है दोस्तों उसमें क्या दिया जाता है, विटामिन सी दिया जाता है। विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, इसमें दोस्तों ई वाला सही हो जाएगा।
एंटीजन प्रिपरेशन मेड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन, इसमें दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा, टॉक्साइड। नेक्स्ट बात करेंगे द इंजाइम रिफर्ड एज स्प्रेडिंग फैक्टर, कौन सा इंजाइम हो जो स्प्रेडिंग फैक्टर को रिफर्ड करता है दोस्तों, वो है हाइलोनिडेज, ठीक, सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी गिवन फॉर गुड बोन हेल्थ, गुड बोन हेल्थ के दोस्तों विटामिन डी दिया जाता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन शुड बी गिवन एट, जो बीसीजी वैक्सीन होता है बर्थ के टाइम दोस्तों दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ द लेसिथीन, लेसिथीन का दोस्तों रिचेस्ट सोर्स क्या है, वो है एग योल्क, ठीक। एग योल्क का मतलब दोस्तों जो अंडे में दो पीला वाला भाग होता है उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बैक्टीरिया विच कैन डिराइव दियर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड एनर्जी सिंपल इनऑर्गेनिक्स और कार्बोहाइड्रेट, ये दोस्तों हम लोगों ने पढ़ चुका था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों स्कर्वी इज डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ, दोस्तों स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट बात करेंगे सीक टेस्ट इज परफॉर्म टू द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट, ये दोस्तों इसमें डी वाला सही हो जाएगा, डिप्थीरिया। नेक्स्ट बात करेंगे ड्रग दैट एक्ट बाई लोअरिंग द एलडीएल लेवल, एलडीएल लेवल को दोस्तों कौन सा ड्रग है वो कम कर देता है, वो तो है प्रोपोकॉल, ठीक, प्रोपोकॉल। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों रिएजेंट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कौन सा रिएजेंट का यूज किया जाता है दोस्तों, होता है जीसल रिएजेंट। नेक्स्ट बात करेंगे रेनिन इज ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम विच इज प्रोड्यूस इन, जो रेनिन होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है किडनी से दोस्तों सिक्रिएट होता है। नेक्स्ट बात आइसोटोनिक विच व्हीकल यूज टू प्रिपरेशन ऑफ ऑप्थैल्मिक, ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन जो आँख का जो ऑइंटमेंट होता है दोस्तों उसमें उसको बनाने के लिए कौन सी जो व्हीकल्स होते हैं वाहक होते हैं उसमें जो मिलाए जाते हैं क्या होते हैं, वो 1.9% बोरिक एसिड होता है। एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल का गैलिक एसिड है। सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी कंटेन क्या करता है दोस्तों, 0.9% को कंटेन करता है सोडियम। अब बोतल देखे होंगे दोस्तों जो नॉर्मल सेलाइन होता है उसमें 0.9% ऑफ सोडियम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इंजाइम विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में कौन सा इंजाइम यूज होता है दोस्तों, स्ट्रिप्टोकाइनेज यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इम्यूनोग्लोबिन फाउंड और लिम्फोसाइट सरफेस ऑफ न्यूबॉर्न, इसमें दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कैजीन इज एग्जाम्पल ऑफ, कैजीन दोस्तों किसका एग्जाम्पल है, वो है फास्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल है कैजीन। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए लाइपोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम दोस्तों कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल एंड एस्टर हाइड्रोलेज जो होते हैं, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं एग्जिट एग्जाम आप लोगों का कन्फर्म है, डेट आगे पीछे हो रहा है लेकिन एग्जिट एग्जाम होना ही होना है। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट दोस्तों जरूर करिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाना, किस सब्जेक्ट पे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दोस्तों चाहिए। और दोस्तों जो भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं बच्चे, उन लोगों का दोस्तों हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उन लोगों को दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों यारों को, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।